टुडे वी कम टू नो अबाउट द पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन. इनका टाइम लाइफ टाइम स्पेंड 1608 टू 1674 था. द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667 कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स. अ सेकेंड एडिशन फॉलोड इन 1674 अरेंज्ड इन 12 बुक्स इन द मैनर ऑफ वर्जिल सेनिड विद माइनर रिविजन थ्रू आउट. It is considered to be Milton's masterpiece and it helped solidify his reputation as one of the greatest English poets of his time. The poem concerns the biblical story of the fall of man, the temptation of Adam and Eve by the fallen angel Satan, and their expulsion from the Garden of Eden. Cover artist of it is J.B. D. Medina and the Henry Edrick, and the country where it was composed was England, and the language it is in English, and genre it is epic poetry. Christian mythology, belong to Christian mythology, and the publisher इसके थे आपके Samuel Simons. ठीक है, और उसके बाद जो है पब्लिकेशन डेट इसी 1667 थी, एंड मीडिया टाइप इसका प्रिंट था, एंड फॉलोड बाय द पैराडाइज रेगेंड. इसके बाद पैराडाइज रेगेंड आया था और टेक्स्ट पैराडाइज लास्ट आया था. वेल किस सोर्स है ना. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हॉल पोएम लाइन बाय लाइन. नाउ लेट्स बिगिन द हॉल पोएम लाइन बाय लाइन. ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसऑबिडेंस, यानी कि पहली लाइन में आपका पाइप बोला है द इटर्नल थीम ऑफ द इपिक इज डिसऑबिडेंस ऑफ द गॉड्स कमांड बाय एडम एंड ईव. इस महाकाव्य का केंद्रीय कथानक एडम तथा ईव द्वारा ईश्वर के आदेश की अवहेलना करना है ना. ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसऑबिडेंस आगे बोल रहे हैं, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री. It is exposed when Adam and Eve tasted the fruit of forbidden tree of knowledge. यह कथानक तब उजागर होता है जब एडम तथा ईव प्रतिबंधित जो है ज्ञान वृक्ष के फल को चख लेते हैं. आगे बोल रहे हैं whose mortal taste brought death into the world and all our woe. कह रहे हैं कि फल के चखने के कार्य को इस प्रकार दंडित किया जाता है कि मानव जाति क्या हो जाती है, नश्वर हो जाती है ना. यानी कि टेस्टिंग ऑफ दैट फ्रूट वॉज पनिश्ड विद मेकिंग मैनकाइंड्स मोर्टल एंड सब्जेक्ट ऑफ अदर वर्ल्डली कर्सेस. और आगे कह रहे हैं आपका पोइट विद लॉस ऑफ एडन, यानी कि एडम एंड ईव बेनिश्ड फ्रॉम हेवन. एडम और ईव को कहाँ से निकाल दिया गया, स्वर्ग से निकाल दिया गया. और आगे कह रहे हैं टेल एक्सप्रेस यर अनटिल, यानी कि तब तक है ना. और बोल रहे हैं ऑन ग्रेटर मैन एक्सप्रेस टू जीसस क्राइस्ट. महान व्यक्ति किसके लिए एक्सप्रेस किया गया, ईशा मसीह के लिए. और बोल रहे हैं रिस्टोरस, है ना. रिस्टोरस का मतलब मनुष्यों के लिए पुनः प्राप्त कर लेते हैं. ये पैराडाइज रिगेंड जो है इन्होंने दी है अपनी दूसरी बुक इसके बाद, तो उसमें जो है दिया गया किस तरह भगवान का इनकारनेशन क्राइस्ट के रूप में होता है, और वो जो है जो पैराडाइज गलती जो एडम और ईव ने की थी निष्कासित कर दिए गए, और उनको बहुत टेम्पटेशन आपका शैतान देता है, लेकिन जो है वो उसमें जो है फंसते नहीं और दोबारा उसको क्या करते हैं, रिगेन कर लेते हैं पैराडाइज को, हेवन को, है ना. और यहाँ पे वो इसी के लिए एक्सप्रेस किया गया है कि जो है वन ग्रेटर मैन यानी कि क्राइस्ट के लिए रिस्टोरस यानी कि वुड गेट बैक टू फॉर मैन काइंड मनुष्य के लिए पुनः प्राप्त कर लेते हैं. एंड अगेन ऑफ ब्लेसफुल सीट, यहाँ पे कह रहा है खोया हुआ स्वर्ग क्या करते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं, है ना, द लॉस्ट पैराडाइज. और अब बोले आगे सिंग हेवनली म्यूज. हेवनली म्यूज किसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है, कवि धार्मिक कविता की देवी यूरेनिया के गीत से प्रेरित होने की इच्छा करता है. कौन कवि, आपका मिल्टन, है ना. द पॉइट विशेष टू इंस्पायर्ड विद द सॉन्ग ऑफ गॉडेस ऑफ रिलीजियस पोएट्री कॉल्ड यूरेनिया. आपकी जो है कविता की देवी कौन है, यूरेनिया है. और आगे कह रहे हैं ये
that on the sacred top of Oreb or of Sinai did it inspire that shepherd. ये ओरिब और सिनाई जो दो पर्वत हैं, है ना, यहाँ पर जो है मोसेस के सम्मुख जो है भगवान दो बार प्रकट हुए थे ईश्वर, और प्रथम रूप में जो है सबसे पहले वो ओरेब पर्वत पे आए और मोसेस वहाँ पर कैसा था, चरवाहा था, और दूसरी बार वो सिनाई पर्वत पे आए जहाँ पे जो आपका मोसेस था वो देवदूत एंजल के रूप में था, है ना। और फिर आगे बोल रहे हैं फर्स्ट टॉट द चूजन सीट, यहाँ पे मोसेस लेट इज़राइलिटीज़, है ना, कह रहे हैं कि मोसेस किसका जो है नेता बन गया, इज़राइल वासियों का, है ना, चूजन सीट यहाँ पे। और बोल रहे हैं इन द बिगनिंग हाउ द हेवन एंड द अर्थ रोज आउट ऑफ केओस, और बता रहे किस तरह जो है यानी कि केओस से सृष्टि की रचना हुई, है ना। मोसेस टॉट देम यानी कि जो देवदूत है उन्हें बताते हैं अबाउट द अर्ली क्रिएशन, हाउ इट क्रिएटेड द अर्थ आउट ऑफ केओस द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर, यानी कि केओस वो स्थिति है जिसमें सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है ना, इन द फॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर। अब कम टू नेक्स्ट, कह रहे हैं और इफ जियोन हिल, है ना, जियोन हिल डिलाइट दी मोर, कह रहे हैं कि जेरूसलम इज अ बेल्ट ऑन द माउंटेन जियोन, देयर ऑफ ओर द हिल इज फेवरेट ऑफ ऑल गॉड एंड गॉडेस। जेरूसलम जो है ये जो धार्मिक स्थान है कहाँ पे है, जियोन पर्वत पर बना हुआ है, और ये पहाड़ी किसके लिए प्रिय है, सभी गॉड एंड गॉडेस के लिए, देवी देवताओं के लिए। और आगे बोल रहे हैं एंड सिलोस ब्रुक दैट फ्लोट फर्स्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, और जो है सिलो क्या है, नदी है, है ना, सिलो क्या है, नदी है, और ये नदी कहाँ पर बहती है, मंदिर के पास से होकर बहती है। आगे बोल रहे हैं आई देंस इनवोक दाई एड टू माय एडवेंचरस सॉन्ग, यहाँ पे मिल्टन इनवोक्स म्यूज टू ब्लेस फ्रॉम द टेम्पल हिज एपिक पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन जो है कविता की देवी का आह्वान करता है कि उसी मंदिर से कवि के महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट को क्या थे, आशीर्वाद प्रदान करें। और आगे आपका पाइल करता है दैट विद नो मिडल फाइट इंटेंट टू सो अबाउट द ओयनियन माउंट, यहाँ पे ओयनियन माउंट एक्सप्रेस फॉर द किसके लिए किया गया है, कौन सा पर्वत, हेलिकॉन पर्वत के लिए, है ना। यहाँ पे आपका पॉइंट कहता है द पर्पज ऑफ हिज इपिक टू सरप्रास ग्रीक पोइट्री इन सब्लिमिटी, है ना, देयरफॉर द पॉइंट इंस्टेड टू soar higher, soar higher than the mountain Helicon that is the secret to Greek poetry and has a temple of muses, और कह रहा है कि कवि क्या है उसकी इच्छा, कवि की इच्छा है कि वो हेलिकॉन पर्वत से ऊपर उड़ने की, यानी कि उसकी ये इच्छा है कि उसका उद्देश्य यह है कि श्रेष्ठता में ग्रीक कविता को पीछे छोड़ दे, क्या उसका महाकाव्य, है ना, जिस पर्वत पर ग्रीक कविता की देवी का मंदिर बना हुआ है। और आगे कह रहे हैं वाइल इट पर्सस थिंग्स अनअटेम्प्टेड एट इन प्रोज आर राइम, कह रहे हैं कि यह महाकाव्य उस विचित्र घटनाओं से संबंधित है जिसके विषय में वह गद्य अथवा पद्य के सभी अभी तक कुछ भी नहीं लिखा गया है, यानी कि यह विचित्र घटनाओं पर आधारित रहेगा, क्या जो महाकाव्य जिसकी रचना आपका मिल्टन करने जा रहा है। कम टू नेक्स्ट, उसके बाद कह रहे हैं एंड चीफली दाउ ओ स्पिरिट, यानी कि हैविंग इनवॉकिंग द हेवनली म्यूज द पॉइंट इनवॉक्स द स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी कि देवी का आवाहन करने के बाद ये किनका आवाहन कर रहे हैं, किसका आवाहन कर रहे हैं आपके मिल्टन, ईश्वर की आत्मा का, है ना, किसका, कहने का मतलब परमात्मा का आवाहन कर रहे हैं। और आगे है देखिए दैट डस्ट पफ ऑफ बिफोर आल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ही लाइक अ प्योर हार्ट ऑफ ऑनेस्ट मैन, यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति के हृदय को भगवान ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी पसंद करते हैं उस जगह पर रहना, है ना, मोर देन एनी टेम्पल, किसी भी मंदिर की अपेक्षा, यानी कि किसी भी मंदिर के अपेक्षा एक पवित्र ईमानदार के हृदय को अधिक पसंद महत्व देते हैं, पसंद करते हैं, है ना। और आगे कह रहे हैं देखिए इंस्ट्रक्ट मी फॉर दाउ नोवेस्ट, आपका पाइट करता है कवि ईश्वर के वरदान की आकांक्षा करता है, कौन, आपका कवि मिल्टन, है ना, क्योंकि वह क्या है, भगवान क्या है, ओमनिसेंट ओमनिप्रेजेंट ऑल नोविंग, है ना, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी, है ना, और सर्वशक्तिमान। और आगे देखिए क्या कर रहा है दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रेजेंट,
यहाँ पे आपका पॉइंट कह रहा है कि द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज प्रेजेंट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, यानी कि भगवान ने ही सृष्टि की रचना की, इसलिए भगवान जो है सृष्टि के प्रारंभ से ही उपस्थित थे, इसलिए उनको सारी घटनाओं का वर्णन जो है पूरी तरह से सब घटनाओं से अवगत है, इसलिए वो भगवान का गाइडेंस जा रहा है। कौन? आपका मिल्टन। एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड डॉव लाइक सेट एट अ ब्रोडिंग ऑन द वास्ट एबाइस एंड द मैरिज इज द प्रेग्नेंट। और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन क्रिश्चियन आर्ट द होली स्पिरिट इज ऑफन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ द डोव एंड स्प्रेडिंग इट्स माइटी विंग्स, है ना, इट्स एट ब्रोडिंग ओवर द प्राइमल केओस क्रिएटेड द यूनिवर्स, यानी कि एक तरह कलाकृतियों में ईश्वर को प्राय ऐसे कबूतर, यानी कबूतर के रूप में बनाया गया है, यानी कि कबूतर जिस तरह अंडे में बैठ के उसको जो हज करती है सेती है ना, उसी तरह भगवान पंख फैला के पूरी सृष्टि को जो है पालते पोसते हैं और उसको उत्पन्न करते, इस तरह करके एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पे। और आगे बोले हैं व्हाट इन मी इन डार्क एलुमाइन, और कह रहा है आपका मिल्टन कवि परमात्मा का आह्वान करता है ताकि अंदर का जो उसका अंधकार है वो दूर हो जाए और ज्ञान का प्रकाश कवि के हृदय में भर जाए, है ना, एलुमाइन करने के लिए कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट, कह रहा है आपका पॉइंट व्हाट एवर, यानी कि व्हाट एवर इज नॉट अप टू मार्क इन हिम शुड बी रेज एंड सपोज टू इनेबल हिम टू कंपोज द एपिक, यानी कि कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं जो कुछ उसने उच्च स्तर तक का नहीं है उसे ऊंचा उठाकर सहारा दिया जाए, यानी कि कहने का मतलब उसे उसके महाकाव्य की रचना में भगवान उसकी मदद करें। और आगे बोला है दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गुमेंट, कह रहे हैं कि महाकाव्य का विषय इतना महान है ना, कि जो है भगवान स्वयं उसमें एक पात्र हैं, यानी कि हिमसेल्फ गॉड हिमसेल्फ हैज टू प्ले अ रोल एज ए कैरेक्टर। और आगे बोल रहे हैं आई मे एजर्ट्स इटर्नल प्रोविडेंस, यानी कि कहने का मतलब विदाउट हिज ब्लेसिंग ही शैल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट द आलमाइटी प्रॉपरली, भगवान की कृपा के बिना मिल्टन उनको अच्छी तरह से प्रस्तुत या नहीं कर सकता है ना, न कर पाएगा। और आगे कर रहे हैं एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, यानी कि यह सिद्ध कर पाएगा कि ईश्वर का व्यवहार मनुष्य के साथ सदैव उचित है ना, कहने का मतलब एंड प्रूव दैट गॉड इज ऑलवेज जस्ट टू मैन। से फर्स्ट सबसे पहले मिल्टन जो जानना चाहता है ना, और आगे कह रहा है फॉर हेवन हाइट्स नथिंग फ्रॉम दाई व्यू नॉट द डीप ट्रैक्ट ऑफ हिल, और यहाँ पे कह रहे हैं आपके पाइट कि उससे स्वर्ग या नरक का कुछ भी छिपा नहीं है क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्याप्त है ना, अभी बताए ना कि गॉड ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनिसेंट है, तो इसीलिए मिल्टन जो है ईश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, से फर्स्ट व्हाट कॉज मूव आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन दैट हैप्पी स्टेट फेवर्ड ऑफ हेवन टू हाईली टू फॉल ऑफ फ्रॉम देयर क्रिएटर एंड ट्रेंग्रेस, ठीक है, हिज विल। आगे बोल रहे हैं ये कि सबसे पहले मिल्टन स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि वह क्या कारण था जिसने एडम तथा ईव को ईश्वर की अवज्ञा करने को मजबूर कर दिया था, और जिससे वो क्या हुए वहाँ से निष्कासित कर दिए वो, क्योंकि वहाँ पे इससे पहले वो अत्यंत आनंद से रह रहे थे। और आगे बोल रहे हैं फॉर वन रेस्टेंट लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बिसाइड्स, यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर ने उन पर केवल एक प्रतिबंध लगाया था कि वे ज्ञान वृक्ष के फलों का सेवन ना करें। और आगे कह रहे हैं व्हाट फर्स्ट सेड्यूस्ड देम टू दैट फाउल रिवोल्ट, कह रहे हैं कि ये जानना चाहते हैं, किसे जानना चाहते हैं, भगवान से जानना चाहते हैं कि एडम और ईव को किसने बहकाकर या गलत विद्रोह करने को उत्तेजित किया या कर दिया। और आगे देखिए आपके मिल्टन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द इन्फर्नल सर्पेंट, और आपके यहाँ पे गॉड रिप्लाई कर रहे हैं कि वो कौन था, वह यह शैतान था, ठीक है, द इन्फर्नल सर्पेंट, यहाँ पे आपका जो है गॉड मिल्टन के गॉड जो है उन्हें रिप्लाई करते हैं कि कौन था वह, या शैतान था जिसने सर्प के छद्मवेश में यह कार्य किया था। और आगे बोल रहे हैं ही इट वॉज हुज गाइल,
यानी कि इस कार्य के लिए शैतान ने अपनी पूरी चालाकी का प्रयोग किया था। और आगे है ये बोले हैं कि स्ट्राइड अब विद एनवाई एंड रिवेंज, और ऐसा उसने क्यों किया था, शैतान इतना अधिक क्रोधित था कि ईश्वाली ओम प्रतिशोध ही बन गया था, है ना। और बोल रहे हैं आगे, डिसीव्ड द मदर्स ऑफ मैनकाइंड, और यहाँ मदर ऑफ मैनकाइंड किसके लिए कहा गया है, ईव के लिए। और बोल रहे हैं कि पहली महिला एवं मानव जाति की माँ ईव को बहकाने में शैतान क्या हो गया, सफल हो गया। और बोल रहे हैं, व्हाट टाइम्स हिज प्राइड हैड कास्ट हिम आउट फ्रॉम हेवन विद ऑल हिज होस्ट ऑफ रेबल एंजल्स। और कह रहे हैं यहाँ पे कि यानी कि यहाँ पे मिल्टन जो है उन परिस्थितियों को जानना चाहता है जिसने शैतान का घमंड इतना अधिक बढ़ गया, जिसकी वजह से, है ना, और उसकी सेना के साथ, उसने जो है सेना के साथ स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था। यानी कि वो ये स्थिति को जानना चाहते हैं जिसके कारण उस शैतान का घमंड इतना बढ़ गया और उसके कारण जो है उसको, उसके जो है सेना को कहाँ से निकाल दिया गया, स्वर्ग से निकाल दिया गया। बाय हुज दैट aspiring to set himself in glory above his peers। और आगे कह रहे हैं, इस सेना की सहायता से शैतान पुनः अपनी उच्चता स्थापित करने का प्रयास करता रहा। और आगे बोल रहे हैं, he trusted to have equaled the most high। शैतान ईश्वर से अपनी बराबरी करना चाहता था। If he opposed and with ambitious aim against the throne and monarchy of God raised impious war in heaven and battle proud। आगे कह रहे हैं कि जब महत्वाकांक्षी शैतान का विरोध किया गया तो ईश्वर एवं उसकी सत्ता से विद्रोह कर दिया उसने, है ना, किसने, शैतान ने। और आगे कह रहे हैं, विद वैन अटेम्प्ट, लेकिन क्या हुआ, यह विद्रोह व्यर्थ सिद्ध हुआ, क्योंकि शैतान क्या हुआ, बुरी तरह से पराजित हो गया। आगे बोल रहे हैं, हिम द अलमाइटी पावर्स हर्ड हेड लॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द एथरियल स्काई। और जो है क्या हुआ, शैतान को स्वर्ग से जलता हुआ सिर, ठीक है, शैतान यानी कि स्वर्ग से जलता हुआ सिर के बल पे फेंक दिया गया। कहाँ फेंक दिया गया, नर्क में, है ना। और विद हायस रेन, ठीक है, एंड कम्बुशन स्टोन, और कह रहे हैं कि उसकी भयानक बर्बादी का कारण ईश्वर द्वारा गर्जना का प्रयोग करना था, है ना, जिससे उसके लिए एक जलता हुआ रास्ता बना दिया, है ना, थंडरिंग करने की वजह से जो है ऐसी स्थिति हुई। और आगे बोल रहे हैं, टू बॉटमलेस प्रेडिशन, बॉटमलेस प्रेडिशन शेयर एक्सप्रेस, यानी कह रहे हैं कि यह नरक के अथाह गड्ढे में गिर जाता है, कौन, आपका शैतान। और बोल रहे हैं, देयर टू डेवल इन एडमिनटाइज्ड चेंस एंड पेपल फायर। और क्या होता है पेपल फायर, यानी पी, और वो कहाँ पे गिर जाता है जाके, यहाँ पर उसे टूटने वाली जंजीरों में, कभी ना टूटने वाली जंजीरों में जो है नरक में उसे दंड देने के लिए बांध दिया जाता है ना। और आगे क्या कर रहे हैं, हु डस्ट डिफाई द ओमनीपोटेंट टू ओम, कह रहे हैं कि यह दंड शैतान को इसलिए दिया गया क्योंकि उसने ईश्वर को लड़ने के लिए क्या किया था, ललकारा था।